नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मदन लाल भास्कर। आप देख रहे हैं सेल इंस्टीट्यूट फ्री ट्यूटोरियल। कोर्स पिछले वीडियो में आपसे चर्चा हुई थी कि अगरबत्ती का व्यवसाय यदि आप 1 लाख से स्टार्ट करना चाहते हैं तो किन किन मशीनों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं वो जानकारी आप तक पहुंची होगी। आप वहां तक अगर उस बजट तक आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप वो मशीन ले चुके होंगे और काम को चालू कर दिए होंगे। यदि आपका बजट उससे बड़ा है, आप इसको इंडस्ट्रीज के रूप में लेके चलना चाहते हैं, कई मशीनें 2, 4, 6, 8, 10 मशीनें फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें लगाना चाह रहे हैं, तब आपको रेडी मिक्स परचेस करके काम को चालू करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉफिट और बढ़ाना है तो प्रॉफिट और बढ़े इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जो है अलग अलग सभी अलग अलग ऑर्डर्स को ले और अपने खुद के फैक्ट्री में, आपके खुद के इंडस्ट्रीज में रेडी मिक्स निर्माण करें। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए करना क्या होगा, आप अलग अलग पाउडर लें। पाउडर के बारे में आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में हम पाउडर के बारे में, सभी पाउडर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आप सभी पाउडर्स को लेकर के रेशियो अनुसार से, मात्रा अनुसार से आप जो है उस पाउडर को बनाए। आप क्या बनाए, रेडीमिक्स बनाए। स्वयं बनाएंगे रेडीमिक्स, आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। बना बनाया रेडीमिक्स लेकर के आप अपने इंडस्ट्रीज को चलाएंगे, थोड़ी प्रॉफिट आपकी कम हो जाएगी। तो प्रॉफिट ज्यादा लें, इस उद्देश्य से आप ज्यादा निवेश कर रहे हैं। तो जब ज्यादा निवेश कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप अलग अलग पाउडर लेकर काम को चालू करें। जब अलग अलग पाउडर लेके काम को चालू करते हैं तो आपको इन पाउडर को मिलाने के लिए एक और मशीन की ऐड करनी पड़ेगी, आपको मिलानी पड़ेगी। वो है आपका फिल्टर मशीन, यानी पाउडर को छानने वाली मशीन। पाउडर को छानने वाली मशीन अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। आप यदि 1 लाख से ऊपर का बजट, यानी 5 लाख से 10 लाख के बीच में आप अपनी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक साथ आप 5 मशीनें से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक आपको ड्रायर मशीन की भी जरूरत तो पड़ेगी, बड़ी वाली पड़ेगी, क्योंकि अब मशीन ज्यादा हो रही है। तो और बड़ी ड्रायर मशीन जो आपका एक बार में 200 किलो सुखा दे। अगर 400 किलो का प्रोडक्शन हो रहा है तो आप 200 किलो का 2 ड्रायर मशीन ले लीजिए, जो आपके 400 किलो या 500 किलो पर डे आपको 8 घंटे में सुखा के दे। तो उसके हिसाब से मशीनों का भी आपको हैवी लेना पड़ेगा। और उसके बाद 5 मशीनें हैं आपके पास, यदि 5 मशीन आप लेके काम को चालू कर रहे हैं तो 5 मशीन अगर हर मशीन आपका 50 किलो या 60 किलो अगर माल दे रहा है, उसके हिसाब से आप ड्रायर मशीन पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उतने अगर आप मान के चलिए 300 केजी पाउडर की आपको पर डे की जरूरत पड़ रही है बनाने के लिए, तो एक एग्जाम्पल, तो 300 केजी छानने के लिए आपको हाथ से किसी मजदूर से छुनवाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि वो मजदूर आपका 300 किलो पाउडर छान के रेडी रख दे मशीन चालू होने के लिए। इसके लिए आपको फिल्टर मशीन की जरूरत पड़ेगी। एक फिल्टर मशीन आप हमारे वीडियो के साइड में फिल्टर मशीन चलते हुए देख सकते हैं, और हमारे वीडियो के नीचे के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आप जाएंगे तो हर वीडियो का हम जो हमारी खुद की जो वीडियो है उसका लिंक हम देते हैं यूट्यूब का, आप उसको देख सकते हैं कि वो मशीन किस तरीके से वर्क करती है। वो मशीन चाहिए, और फिर एक मशीन और चाहिए आपको मसाला बनाने वाली, मिक्स करने वाली, यानी मिक्सचर मशीन जिसको कहते हैं वो आपको, क्योंकि अगर 300 किलो मसाला आपको बनाना है तो किसी मजदूर को आप बड़ा सेटअप में बनवाना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं रहे उसके लिए कि वो बना देगा आपके लिए। समय बहुत निकल जाएगा आपका, प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक मिक्सचर मशीन लें। तो मिक्सचर मशीन कैसे वर्क करता है, कैसे होता है, ये भी आप जो है हमारे वीडियो के साइड में जो वीडियो चल रहा है उससे आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक में क्या क्या मशीनों का आपको, अगर 5 लाख से 10 लाख का आपका इंडस्ट्रीज का बजट है तो आप नोट कर चुके होंगे उम्मीद है।
आपको 5 मशीन लेना है और ड्रायर मशीन जो आपको लेना है वो बड़ी साइज का लेना है। अगर 300 केजी का हो तो 150 केजी दो मशीन में सूख जाए, तो दो मशीन 150 केजी के कैपेसिटी का दो मशीन आप ले लीजिए। और फिल्टर मशीन 300 केजी एक दिन में आपका पाउडर छान दे और 300 केजी का ले लीजिए। एक जो है आपको मिक्सचर मशीन लीजिए जो आपको कम से कम 50 किलो का उसका टैंक हो, 50 किलो पाउडर एक बार में आपको मिक्स कर सके, वो मिक्सचर मशीन लीजिए। और उसके बाद आपका जाहिर सी बात है अगर 5 मशीनें हैं तो उसके हिसाब से आपको रूम या सेट जो आप लगाएंगे अपना इंडस्ट्रीज बनाएंगे उसको जगह भी चाहिए, उतने मेन पावर भी चाहिए। तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि महिलाओं को अपॉइंटमेंट दीजिए, महिलाओं को ट्रेनिंग दीजिए, महिलाओं को मशीन में बैठाइए। पुरुष को बैठाने में बहुत सारी समस्या होती है, पुरुष लोग थोड़ा पान खाने के लिए इधर चले, पान खाने या गुटखा खाने या तम्बाकू खाने के लिए इधर उधर टाइम पास थोड़ा से करते हैं, तो आपका प्रोडक्शन में थोड़ा सा कमी आती है। तो अन्यथा न ले पुरुष लोग, मैं आप लोगों को हट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप यदि बिजनेस को अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो यही कहूंगा मैं कि महिलाओं को लेकर शुरू करें, मशीन महिलाओं को बैठाएं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से मशीन ऑपरेट करती है। तो महिलाओं को लेकर के अगर काम चालू करते हैं, 5 मशीनें हैं, 5 महिलाएं ऑपरेटिंग के लिए, 5 महिलाएं आप ले लीजिए, उनको आप लेकर के काम को चालू कीजिए। और एक पुरुष मसाला बनाने के लिए रखिए, मिक्सचर मशीन में रखिए, वहां पे महिला मत रखिए, पुरुष को रखिए मसाला बनाने के लिए, मसाला छानने के लिए, मसाला ड्राई में, ड्राई विभाग में पुरुष को रखिए, फिल्टर मशीन के लिए पुरुष को रखिए, मिक्सचर मशीन के लिए पुरुष को रखिए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में महिला रखिए। इस तरीके से आप काम को चालू कर सकते हैं। तो कितने मेंबर हो गए आपके, कितने एम्प्लॉय हो गए आपके, 5 मशीन ऑपरेटिंग के लिए, एक ड्रायर मशीन के लिए, एक आपका फिल्टर मशीन के लिए, एक आप मिक्सचर मशीन के लिए, 5, 3, 8 हो गए। उसके बाद आप जो है कम से कम 3 जो है महिला या पुरुष जो है आप ले सकते हैं उसको बंडल बांधने के लिए। सूखी हुई कल की मशीन जो चली हुई है, कल की प्रोडक्शन की जो आपका माल सूख चुका है, राव बत्ती सूख चुका है, उसको बंडलिंग के लिए 3 लेबर फॉरेस्टर रखिए। उसके लिए 3 लेबर है तो 3 आपको वेट मशीन लेना पड़ेगा, 3 वेट मशीन लीजिए। 3 वेट मशीन तीनों के लिए अलग उनका जगह अलग रहेगा, उनको अलग जगह बैठाइए, वहां पर उनका वो अलग पैकिंग विभाग अपना करके, फिर स्टॉक रूम अलग रखिए, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगी जाहिर सी बात है बड़े हॉल चाहिए आपको स्टॉक रखने के लिए, स्टॉक बनाने के लिए। तो आप जो है बड़ा रूम लीजिए जहाँ पे आपका जो सेट है विभाग रखिए, जहाँ पे कचरा उड़ के ना जाए, जहाँ पे डस्ट ना जाए, आपका राव बत्ती वहां पे सुरक्षित रहे, वहां नमी का या पानी का कोई पीछे से बहाव ना हो जो आपके सूखी हुई राव बत्ती को फिर से गीला कर दे। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखिए, आप अपने डायरी में बारीकी से नोट करते जाए। इस इंडस्ट्रीज के लिए कितना मेन पावर चाहिए हम बता ही दिए हैं, 5, 6, 3, 8, 8, 3, 11 तो भी 12-13 लोगों को लेकर के आप जो है 13-14 लोगों को लेकर के काम को आप इस इंडस्ट्रीज को शुरू कर सकते हैं। अब रही बात अगरबत्ती यानी रावत्ती आप बना लिए, यहां तक तो ठीक है कि आप जो है 5 मशीन से या 1 मशीन से या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से या पैडल मशीन से या आप हैंडमेक से रावत्ती बना के रेडी कर लीजिए। यहां तक का रावत्ती का बिजनेस था, रावत्ती निर्माण का बिजनेस था, अगरबत्ती का नहीं था। अब इसके बाद जो है आगे आप बढ़ते हैं कि उस रावत्ती को परफ्यूम करके, उसको यदि आप पैकिंग करके पैक्ड करके मार्केट में सेल करना है तो ये अगरबत्ती का अगला चरण हो जाएगा। इसके लिए अगर करना चाहते हैं ये आपका, तो एक आपको करना क्या होगा, अगला आपका कदम क्या होगा, इसके लिए आपको परफ्यूमिंग बिघा पर यानी परफ्यूम यानी खुशबू चढ़ाने का एक आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको ब्रांड, अपना खुद का ब्रांड बनवाना चाहते हैं, आप अपने ब्रांड अपनी कंपनी का ब्रांड करवाना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारी यही राय रहेगी कि आप अपना ब्रांड बनाएं। ब्रांड बनाना कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, आप जो है बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए खाली गवर्नमेंट का जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन जहां से होता है, जो कोई भी आप एमपी ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन है आपके लिए जो ऑनलाइन है गवर्नमेंट का जो वहां पर जाएं, उस दुकान में जाएं, उनको कहेंगे भाई आपको एमएससी का सर्टिफिकेट चाहिए,
अगरबत्ती का, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन जिस नाम से आप अगरबत्ती बनाना चाहते हैं, नाम अगरबत्ती का नाम एक सोच लीजिए, कोई भी नाम जो उस नाम से और कोई कंपनियां उस नाम से अगरबत्ती अपना ब्रांड बना के उसका रजिस्टर्ड न किया हो वो नाम आप सोचिए, तीन चार नाम सोच के रखिए। और अगर एक नाम पता चला जो नाम आप सोचे हैं वो नाम से कोई और बना रहा है तो वो नाम आप नहीं बनाएंगे, नहीं तो कॉपी हो जाएगा, फिर आपके खिलाफ फिर केस हो जाएगा। इसलिए आप जो है इन चीजों को विशेष बारीक ध्यान देंगे। और दूसरी बात, कंपनी है, कंपनी खड़ा कीजिए, तो उद्योग आधार से ही एक कंपनी ले लीजिए, कंपनी का नाम आप दूसरा रखिए और प्रोडक्ट का नाम दूसरा रखिए, प्रोडक्ट का नाम दूसरा रखिए, कंपनी का नाम दूसरा रखिए। तो मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाई आपका कंपनी हो गया और प्रोडक्ट का नाम हो गया, जो भी एबीसीडी आप जो भी प्रोडक्ट अगरबत्ती का नाम देना चाहते हैं वो हो गए। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो उस बॉक्स की सर्टिफिकेट लेने के बाद रजिस्ट्रेशन आपका जो हो जाएगा उद्योग आधार से, उस नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिजाइन बनवानी पड़ेगी किसकी, बॉक्स की, जो आप 5 बिक्री में, 10 बिक्री में, 20 बिक्री में, या 200 ग्राम, 400 ग्राम, 800 ग्राम, या इस तरीके से जो पैकिंग, फैमिली पैकिंग लाना चाहते हैं, जितने पैकिंग लाना चाहते हैं, तो हमारी आपसे यही राय रहेगी कि आप इकट्ठा सभी प्रोडक्ट एक साथ ना लाएं, यानी 5 बिक्री से लेकर के फैमिली पैक भी ना लाएं। शुरू में आप 5 बिक्री 10 बिक्री को लेकर चलें, क्योंकि ज्यादा बिकता है 5 बिक्री, उससे कम सेल होती है 10 बिक्री, उससे और कम सेल होती है 20 बिक्री का, उसके बाद और कम सेल होती है फैमिली पैक। तो इस तरीके से 5 बिक्री रनिंग में है, तो 5 बिक्री 10 बिक्री को लेकर के आप काम को स्टार्ट करें, और 5 बिक्री 10 बिक्री का आप जो है बॉक्स इसका आप प्रिंट करवाएं। तो प्रिंट करवाने से पहले आपको उसकी डिजाइनिंग करवानी होती है, जो उसके डिजाइनर्स होते हैं वो डिजाइनर उसको डिजाइन कर देंगे। डिजाइन करना कोई आसान नहीं है, इसके लिए विशेष डिजाइनर होते हैं, उनके लिए आसान है, हमारे आपके लिए वो आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो आप, हम कोशिश भी नहीं कर सकते, हाँ इस विषय में हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में हम डिजाइन के लिए भी वीडियो ऐसे बनाए जिससे देख करके आप उस वीडियो से जानकारी लेकर के आप उस सॉफ्टवेयर में आप उसका डिजाइन कर सके। लेकिन अभी फिलहाल उस विषय में वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारी यही राय रहेगी कि आप जो है किसी डिजाइनर से मिलें और उसे डिजाइन करवाएं। यदि आपको डिजाइनर नहीं मिल रहा है तो हमारे जो सील अगरबत्ती है उसके जो नंबर्स आपको यूट्यूब चैनल में मिलता ही है, वहां से आप उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके वहां से डिजाइन आप करवा सकते हैं, जो कुछ उसका फीस होगा आप पे करके करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जानकारी आपको मिल गई है, उम्मीद करते हैं कि आप डायरी में नोट करते गए होंगे कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो 5 बिक्री 10 बिक्री से आप शुरू कर सकते हैं, अगर और ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो आप फैमिली पैक भी ला सकते हैं 20 बिक्री, उसके बाद फैमिली पैक लास्ट करके एक साथ काम चालू कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आप जिस नाम को, प्रोडक्ट का नाम जो आप रख रहे हैं, यानी अगरबत्ती का जो आप नाम रख रहे हैं, उस नाम से कोई दूसरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड न हो, इसलिए आप उस नाम को रजिस्टर्ड लेने के लिए आप जो है जो प्रोफेशनल लोग हैं उनका सहारा लीजिए, वो आपको हो सके तो आप जो उसका रजिस्टर्ड भी करवा लीजिए, किसका, ट्रेड रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, उसके अलग अलग विभाग होते हैं, वहां से आप करवा लीजिए। अगर आपको करवाना है तो हमारे जो सील अगरबत्ती हैं उनके डिपार्टमेंट हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको उस चीज के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी उन लोग आपको दे पाएंगे। तो ये जरूरी भी है कि आप जिस, पता चला आप जो है बिना सोचे समझे 1,00,000 रुपया बॉक्स बनवाने में प्रिंट करवा दिए, उस नाम से ऑलरेडी किसी दूसरे स्टेट में, इंडिया के किसी दूसरे राज्य में उस नाम से ऑलरेडी पहले से 2 साल 3 साल 4 साल पहले से अगरबत्ती निर्माण हो रही है, तो आप जो है डुप्लीकेट करने या तो कॉपी करने के केस में फिर आप पकड़े जाएंगे, तो आपको पैसा न डूबे, आपके ऊपर कोई केस ना हो, आप किसी जालसाजी में ना फंसे। इसलिए ये सब अगर ब्रांडिंग करते हैं तो, ब्रांड लेके आते हैं तो ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा बहुत बारीकी से। फिर आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी, जीएसटी नंबर भी आप जीएसटी विभाग से ले सकते हैं, आपके जिले में जो जीएसटी विभाग होते हैं आप उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं, या तो मैं तो ये राय दूंगा कि आपको जो
ये सब काम स्वयं अगर करने जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय आपका व्यर्थ चला जाएगा। तो आप प्रोफेशनल व्यक्ति को पकड़िए, किसी सीए को पकड़िए, सीए के माध्यम से आप ये सारा काम करवाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आपकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, आपको किसी ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी या किसी शॉप में जाने की जरूरत, वो सीए सब करा के दे देगा आपको। जीएसटी, कंपनी, लोगो रजिस्ट्रेशन, सब चीज ए टू जेड आपको करा के देगा। आपका वेबसाइट भी बनवाना चाहेंगे तो कंपनी का वेबसाइट भी बनवा लीजिए। अगर आपके एरिया में कोई वेबसाइट बनाने वाले हैं तो आप उनसे बनवाइए, नहीं अगर कोई नहीं है तो आप हमारे शिल्प अगरबत्ती के जो जो एक्सपर्ट है उनका सहारा लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। तो साई हर इंडस्ट्रीज यूट्यूब चैनल जो हमारी कंपनी का है वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं बॉक्स का, डिजाइनिंग वगैरह का, तो वहां पे जानकारी आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में उम्मीद करते हैं आप ये सारी जानकारी आप लिए हैं और ये सब जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि आपको इसको बड़े स्तर में आपको इंडस्ट्रीज ग्रुप में लेना है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से आप इसको इंडस्ट्रीज ग्रुप में ले लेंगे। अब ब्रांडिंग की बात आई है, आप अपने नाम से ब्रांड अगरबत्ती खुद बेचना चाह रहे हैं, खुद उसको परफ्यूम चलाना चाह रहे हैं, तो ये इसके लिए जो आज चर्चा हुई है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ब्रांड के लिए डिजाइनिंग करवानी पड़ेगी, बॉक्स छपवाने पड़ेगी, ये सब आप करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका परफ्यूमिंग विभाग कैसे होगा, यानी परफ्यूमरी आप कैसे उसमें करेंगे, कैसे सेंट डालेंगे, कैसे उसमें डीप करेंगे ताकि उसकी गुणवत्ता कैसी हो, अच्छी से अच्छी हो, तो ये सारी चर्चा जो अगले वीडियो में होगी।